फिर 2 अक्टूबर है, देश गांधी जी को फिर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 अक्टूबर को ही सफाई अभियान की शुरुआत की थी। दिल्ली में हाथ में झाड़ू लेकर कचरा साफ किया था। लेकिन इसके बाद दिल्ली में 2015 फरवरी में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी साफ हो गई। झाड़ू वाले अरविंद केजरीवाल ने ऐसा झाड़ू लगाया कि कांग्रेस का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। उसके बाद केजरीवाल ने पहले बाबा रामदेव को साफ किया, फिर अन्ना हजारे को। उसके बाद झाड़ू चला योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर। कुछ का कहना है कि कुमार विश्वास की भी झाड़ू सफाई हुई थी, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता कि कुमार का विश्वास किस में है। थूका चाटा थूका गधा बनाया बाप। नाम तो हमने नहीं लिया, फिर कैसे समझे आप। दिल्ली में भले ही बीजेपी साफ हुई हो, लेकिन बीजेपी ने देश से कांग्रेस को साफ करने का काम तेजी से किया। कुछ का कहना है कि सफाई अभियान में मोदी और अमित शाह की मदद खुद राहुल गांधी ने भी की। मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस के साथ साथ मायावती और मुलायम पर भी झाड़ू चलाया। कभी चुनाव से सफाई की तो कभी सफाई का जिम्मा ईडी, इनकम टैक्स और CBI को सौंप दिया। यकीन नहीं आता तो मायावती के भाई आनंद कुमार से पूछो, जिनकी 400 करोड़ की जमीन ही साफ कर दी गई। आजम खान भले ही अपने बयानों पर लाख सफाई दें, लेकिन योगी सरकार का सफाई अभियान पूरे रामपुर में मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी से लेकर भैंसों और बकरियों के तबेलों तक में चल रहा है। चिदंबरम हर हफ्ते अपने कॉलम में मोदी सरकार की नीतियों पर झाड़ू फेरने के बहाने मोदी को साफ करने की कोशिश करते रहे, लेकिन झाड़ू फेरने के फेर में खुद ही साफ हो गए। आज तिहाड़ जेल में सफाई अभियान का हिस्सा बना ही हुआ। पिछले 5-6 सालों में देखते ही देखते कितने ही नेता साफ कर दिए गए, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक, रमन सिंह से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया तक, लालू प्रसाद यादव से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक। यहां राहुल गांधी की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया कि उनकी वजह से कांग्रेस चुनाव में साफ हुई है। वो लगभग साफ हो चुकी कांग्रेस के लिए कोई साफ जगह तलाश नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा खुद को अलग कर रहे हैं। वैसे इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को साफ किया और ताली तक नहीं ठोकी। यही काम अशोक गहलोत राजस्थान में सचिन पायलट के साथ नहीं कर पाए। दोनों नेताओं का समय इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ दिए गए बयानों की सफाई देने में बीत रहा है। आला कमान सफाई सुन रहा है, लेकिन कुछ साफ साफ नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का सफाया किया, जिन्हें लोकसभा चुनाव में गुना की जनता पहले ही साफ कर चुकी थी। एक सफाई अभियान पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ममता ने बंगाल से वाम दलों का सफाया किया, इस बहाने कांग्रेस की भी सफाई हो गई। ममता को लगा कि जो झाड़ू वाम दलों और कांग्रेस को साफ कर सकता है वो बीजेपी के लिए भी काफी है, लेकिन बीजेपी ने भी इतना राजनीतिक कचरा बिखेरा कि ममता के झाड़ू के तिनके कुछ कुछ बिखरने लगे। शारदा चिटफंड कांड में अब सफाई का जिम्मा CBI को सौंपा गया है, जिसे तोता सफाई भी कहा जाता है। तोता सफाई, CBI और तोते का रिश्ता तो आप सब जानते हैं। बंगाल से सटे असम में जरूर सफाई अभियान का झाड़ू बीजेपी के गले में अपने तिनके अटका रहा है। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में जो 19 लाख लोग आने से रह गए, उनमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है। यहां तो रास्ता सूझ नहीं रहा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि NRC का झाड़ू देश भर में फेरा लगाएगा। कुछ चीजें जरूर साफ नहीं हो सकी हैं। चिन्मयानंद लड़की का यौन शोषण कर रहे थे या लड़की ब्लैकमेल कर रही थी? NIA जैसी जांच एजेंसी भी ये साफ नहीं कर रही है। इन दिनों अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो मंदी है या सुस्ती है, ये भी साफ नहीं हो रहा है। लव जिहाद अगर लव जिहाद है तो रिवर्स लव जिहाद क्या है? गोरक्षक कब रक्षक होते हैं और कब, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, गुंडे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ हैं या इमरान खान के साथ? इस पर भी साफ सफाई जरूरी है। सफाई अभियान क्या वास्तव में चल रहा है या ये सब हाथ की सफाई है एक जादूगर की तरह, ये भी साफ नहीं है। अगर साफ है भी तो भी कोई भी साफ साफ नहीं बोल रहा है।
खैर, सफाई की बातें हो रही हैं और पटना की सड़कों पर पानी साफ साफ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि नालों की वक्त रहते सफाई नहीं हुई। सुशील मोदी जैसे नेता को 3 दिन घर में बंद रहना पड़ा, जिन्हें अब कम से कम साफ हो चुका होगा कि विकास की गंगा का बहाव कुछ ज्यादा ही तेज बताया जा रहा है। बिहार में भले ही नालों की सफाई ना हुई हो, लेकिन वह थानों से चूहे शराब साफ कर गए। बगल के झारखंड में चूहों ने एक नहर ही साफ कर दी। अंत में हैरानी की बात है कि 2 अक्टूबर को सफाई की तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन गांधी जी की बीट और धूल से पटी मूर्तियों की भी सफाई नहीं हो पाती। इस पर देश की जनता सत्ता से सफाई मांग रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।